Hi, this is Ram Gopal Verma, Insurance Surveyor, Chartered Accountant. आज मैं आप लोगों को पुलिस की चार्जशीट या चालान के बारे में बताने वाला हूँ कि चार्जशीट या चालान क्या होती है। कई बार क्या होती है, जब चोरी हो जाती है तो कोई चोर पकड़ा नहीं गया, ठीक है, तब ऐसे केस में पुलिस वाले अंडरेस्ट रिपोर्ट देते हैं। अंडरेस्ट रिपोर्ट मतलब ये केस इज क्लोज, कोई सामान बरामद नहीं है और ना चोरी पकड़ा गया, दैट इज कॉल्ड एन अंडरेस्ट रिपोर्ट। उनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि हम लोग ये केस को बंद करते हैं, क्लोज करते हैं, अगर कोई फ्यूचर में अगर कोई हमें हिंट मिली तभी हम वापस केस को खोलेंगे, फॉर द टाइमिंग द केस इज क्लोज और आपको अंडरेस्ट रिपोर्ट दे देते हैं। फाइन, वट इफ अगर चोर पकड़ा गया, कोई माल बरामद हो गया, तब क्या करेंगे आप लोग? तब ऐसे केस में पुलिस आपको अंडरेस्ट रिपोर्ट इशू नहीं करेगी, क्योंकि इट इज नॉट ए केस ऑफ अंडरेस्ट। अंडरेस्ट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि चोर पकड़ा गया, माल बरामद हो गया। तो चोर पकड़ा जाता, माल बरामद हो जाता, तब पुलिस वाले क्या करते, चालान इशू करते, चार्जशीट इशू करते। यानी कि आप दिल्ली से बंबई सामान ले जा रहे, आप चालान पे ले जाते हैं, फाइन। उसी तरह चोर पकड़ा गया, चोर को जब कोर्ट में पेश करेंगे तो चालान पे पेश करेंगे, इस चोर ने ये काम किया, ये चार्ज है इसके खिलाफ, इसने चोरी की इस आदमी के यहाँ पर घर पे और के, और ये सामान हमारे पास है प्रूफ कि माने जितना भी सामान उसमें ये सामान बरामद हुआ। तो पुलिस वाले चार्जशीट कोर्ट में पेश करते हैं, जब चार्जशीट पेश करेंगे तब आपको अंडरेस्ट रिपोर्ट नहीं मिलेगी, तब आपको सिंपली चार्जशीट की कॉपी मिलेगी। पुलिस से आप कोर्ट में दरखास्त कर सकते हैं कि साहब मुझे इसकी चार्जशीट की कॉपी दी जाए। पुलिस को बोल सकते हैं मुझे जो आपने चालान या चार्जशीट पेश किया कोर्ट में उसकी कॉपी दी जाए, वो कॉपी आप इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, उस बेस के ऊपर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम सेटल करेगी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि कोई आदमी जब पकड़ा जाता है, हमारे जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से उसको उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है, और इट मे टेक ईयर्स, सालों लग जा सकते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल कुछ भी लग सकते हैं, लेकिन आपको इतने दिन का इंतजार नहीं करना है कि उसको पनिशमेंट क्या, आपको पनिशमेंट से लेन देन नहीं है। पनिशमेंट तो कोर्ट ने देना और पुलिस ने अगले को जेल करनी है, आपको उससे कोई लेन देन नहीं है। आपको तो मतलब है कि भाई अगर मेरे सामान चोरी हो गई, अगर चोरी बरामद कुछ हो गया, चोर अगर पकड़ा गया, हमें तो चार्जशीट चाहिए, आप इंश्योरेंस कंपनी को दे दीजिए, साहब ये चार्जशीट लो और मेरा केस आप फाइनल करो। कई बार क्या होता है कि बहुत ना के बराबर चीज़ें बरामद हुई और पुलिस वाले किसी को पकड़ लेता, भैया ये चोर है, फाइन, आप चार्जशीट लो, इंश्योरेंस कंपनी को दे, तो आपके लिए बहुत है। चार्जशीट इज मोर देन एनफ फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम। फाइन, दिस इज राम गोपाल वर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, थैंक यू।